दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे, इंजन स्टार्ट नहीं होता, इंजन घूमता है, क्रैंकिंग लेता है बट स्टार्ट नहीं होता, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन टिप्सों पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों आपको क्या क्या चेक करना होता है उसके बारे में बता देता हूँ, जो कि आपको कभी भी गाड़ी क्रैंकिंग कर रही है यानी कि इंजन पूरा घूम रहा है बट स्टार्ट नहीं होता, तो दोस्तों उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बता रखा है, डिज़ाइन बनाया हुआ है, उसके बारे में बता देता हूँ कि इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहले अगर हमारा इंजन घूम रहा है तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपका फ्यूल लेवल चेक करना होगा कि आपके जो गेज होता है, जो क्लस्टर मीटर के अंदर होता है, उसमें एक गेज लगा होता है, उस गेज का ये चेक कीजिए कि हमारी टैंक के अंदर फ्यूल है या नहीं है। अगर फ्यूल नहीं है तो आपको फ्यूल टैंक में फ्यूल डलवा लीजिए और फिर आप उसको ब्लेड करिए। अगर तेल नहीं है तो उसमें क्या होता है कि हवा बन जाती है, उस कारण से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो आपको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों उसको ना फ्यूल डाल लीजिए और उसका एक ब्लेडिंग स्क्रू होता है उसे खोल लीजिए जो फ्यूल पंप के ऊपर लगा रहता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, उसका फ्यूल का प्रेशर भी चेक करना होता है कि जो फ्यूल का प्रेशर आ रहा है या नहीं है वो चेक करना होता है। जैसे कि अगर मारुति की स्विफ्ट डिजायर है तो उसमें फ्यूल का एक टैंक के अंदर एक इलेक्ट्रिकल यूनिट लगी हुई होती है, वो अगर काम नहीं करेगी तो फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी और फ्यूल सप्लाई नहीं होगी तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो आप उसकी वायरिंग चेक कर लीजिए और फ्यूल की मोटर चेक कर लीजिए और उसका प्रेशर चेक कर लीजिए, 3.5 बार का जो प्रेशर होता है वो उसमें होना चाहिए। उसके आगे चलिए, अगर आपको प्रेशर आगे लाइन में सही मिल रहा है तो उसका फ्यूल फिल्टर चेक करिए। अगर उसका फ्यूल फिल्टर चोक हो जाएगा तो दोस्तों, फ्यूल फिल्टर चोक होने से क्या होगा कि तेल आगे फ्यूल पंप के अंदर नहीं जाएगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा, इस कारण से हमारी गाड़ी में फ्यूल की दिक्कत आती है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो आपको फ्यूल फिल्टर नया चेंज कर दीजिए क्योंकि वो चोक हो जाता है और फ्यूल का प्रेशर नहीं बन पाता और फ्यूल पंप हमारा तेल नहीं खींच पाता, इसलिए इंजन के अंदर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरी चीज़ है, उसके फ्यूल की लाइन चेक कर लीजिए, कहीं से हवा तो नहीं ले रही है, लीकेज तो नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको चेक करना होता है। अगर आपके फ्यूल लाइन कहीं से लीकेज है या दब गई है या कहीं से मुड़ गई है तो उसको भी आपको चेक करना होता है, क्योंकि ये कारणों से इंजन स्टार्ट नहीं होता। बट इंजन घूमता रहता है बैटरी की सहायता से, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो ये चीज़ को आपको फ्यूल की लाइन चेक कर लीजिए, फ्यूल की लाइन कहीं से लीकेज तो नहीं है, उसके अंदर बेंजो वाशर्स होते हैं, बेंजो नट्स होते हैं, वो कहीं लीकेज तो नहीं है, बेंजो वाशर से कहीं हवा तो नहीं बन रही है, वो भी चेक करना आपका ज़रूरी है। उसके बाद में आपको फ्यूल जो होता है हमारा फ्यूल पंप हमारा जो लगा हुआ है उसे चेक कर लीजिए, फ्यूल पंप घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। कई गाड़ियों के अंदर क्या होता है, बेल्ट लगी हुई होती है फ्यूल पंप पे, टाइमिंग चैन होती है, उनको भी देखना ज़रूरी होता है कि फ्यूल पंप हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्यूल पंप से हमारा मेन सप्लाई पाइप होता है जिसे हाई प्रेशर पाइप बोलते हैं हम, उसके अंदर आप उसका प्रेशर चेक कीजिए खोल के, जो 17 या 19 नंबर का स्पिनर लगता है उसका प्रेशर चेक कर लीजिए क्रैंक करके। अगर वहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो फिर आप उसके आगे के पॉइंट्स चेक करिए। आगे के पॉइंट्स के अंदर आपको देखना है जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं वो हमारे चोक तो नहीं हो गए, जो फ्यूल इंजेक्टर्स हमारे लगे हुए हैं, फ्यूल इंजेक्टर तक हमारा अगर फ्यूल आ रहा है उनके ऊपर से पाइप खोल के चेक कर लीजिए। अगर फ्यूल प्रेशर पे आ रहा है तो आप उसके इंजेक्टर चोक हो जाते हैं, तब भी इंजन स्टार्ट नहीं होता, इस कारण से आपको फ्यूल इंजेक्टर उनके क्लीन किए करवाइए कंपनी से या फिर उनको नया डालिए। उसके बाद में सातवां टॉपिक्स आता है कि आपका फ्यूल का पंप चेक करो, फ्यूल के इंजेक्टर्स होते हैं वो चेक करो। उसके बाद में जो उसकी वायरिंग्स होती है दोस्तों, फ्यूल पंप के अंदर क्या होता है, 2-3 सेंसर्स लगे होते हैं, एक IMB सेंसर होता है, एक फ्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है, इंजेक्टरों पे भी सेंसर्स लगे हैं यानी कि उनमें
एक्चुएटर्स के काम करता है। जब वो इंजेक्टरों पे करंट आता है तभी वो ओपन होते हैं, उसके बाद में ही फ्यूल अंदर जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, तो उसकी वायरिंग को आपको चेक करना होता है कि हमारा आई एम वाल्व तो नहीं ख़राब हो गया। तो वो भी क्या करता, फ्यूल को कट ऑफ करा देता है, वहाँ से जो फ्यूल हमारा जाता है वो नहीं चलता। तो दोस्तों इस ये पॉइंटों से आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो आपको ये पॉइंट अगर आप चेक करेंगे तो आपका इंजन पक्का ही स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसको चेक करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कि आपको पहले ये समझने आना चाहिए कि व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है। व्हीकल इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण हो सकता। तो उसके कारण आपको एक बारी समझ में आ गया, तो आप इन टॉपिकों पे अगर आप इसको डायग्नोस करेंगे तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इन इन कारणों से इंजन स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद में अगर ये फ्यूल की लाइन सही है तो आपको इलेक्ट्रिकल का पूरा वायरिंग का सिस्टम चेक करना है। फ्यूल फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। इंजन के अंदर प्रॉब्लम बहुत कम होती है, क्योंकि कंप्रेसर वीक हो जाना, या उसके अंदर इंजन ऑयल नहीं होना, या वो गर्म होके बंद हो गया, तो कई कारण होते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट्स यही आते हैं कि ये पॉइंटों पे अगर आप देखेंगे तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इससे आगे आपको और भी वीडियो बनाऊंगा कि इंजन स्टार्ट नहीं होता, इंजन बैक कंप्रेसर मारता है, इंजन ब्लैक स्मोक देता है, इंजन वाइट स्मोक देता है, इनों के बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। थैंक यू दोस्तों।